इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काफ्तान कटिंग एंड स्टिचिंग फ्रेंड्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी एंड सिंपल तरीके से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर जॉर्जेट ली है इस तरह से फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर इसके नीचे लगाने के लिए फ्रेंड्स लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और जॉर्जेट मैंने ली है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मीटर इस तरह से। तो इन दोनों को मिलाकर के फ्रेंड्स यहाँ पे मैं काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक था इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से फोर फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको फोर फोल्ड करके रख लिया है। जैसे फ्रेंड्स हम कुर्ती की कटिंग करते हैं और उसको फोल्ड करते हैं फैब्रिक को, सेम इसी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शोल्डर को मार्क करूँगी, तो शोल्डर साइज रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 8 इंच। तो जैसे कि हम सिंपल कुर्ती के लिए यहाँ पे 7 इंच रखते हैं या 6 इंच रखते हैं, तो मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा रखा है फ्रेंड्स, 8 इंच रखा है। और यहाँ पे इसके बाद फ्रेंड्स मैं चेस्ट रखूँगी यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 11 इंच इस तरह से मैंने मार्क कर दिया है चेस्ट को। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कमर की लूजिंग रखूँगी यहाँ पे 10 इंच, मैंने 10 इंच पर मार्क कर दिया है इस तरह से फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसकी जो लेंथ है वो रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 31 इंच। तो 30 इंच है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन का रखा है एक्स्ट्रा इस तरह से, जो हमारा मार्जिन में जाएगा इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको 31 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इन दोनों मार्क को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक दूसरे से इस तरह से मिला दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसकी लेंथ को मार्क कर दिया है इस तरह से, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आर्मोल को इस तरह से कर्व शेप दूंगी हल्की सी, तो मैंने आर्मोल को मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी लूजिंग को मार्क कर दूंगी इस तरह से नीचे तक के फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे से मैंने इसकी वृत्त ली है यहाँ पे 13 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक को मार्क करूँगी, तो नेक की वृत्त रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मैं इस तरह से मार्क कर दूंगी। और इसकी लेंथ लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 इंच पे मैं इसको इस तरह से मार्क कर दूंगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से बॉक्स बना दूंगी। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला नेक होगा वो बड़ा होगा और बैक वाला होगा वो छोटा। अब मैं यहाँ पे बैक वाले नेक को फ्रेंड्स 4 इंच पे मार्क कर लेती हूँ इस तरह से, तो मैंने मार्क कर दिया है। अब दोनों को मैं इस तरह से फ्रेंड्स हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी, फ्रंट वाले नेक को भी और जो हमारा बैक वाला नेक है उसको भी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पे मैं जो हमारा शोल्डर है इसको मैं यहाँ पे 1/2 इंच का डाउन रखते हुए इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स मैंने इसको। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको मैंने जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो हमारा बैक वाला नेक होगा उसी से कटिंग करना स्टार्ट करूँगी और इस तरह से कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स मैं इसकी। तो जी फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैक वाले नेक से इसकी कटिंग की है फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स इसमें से मैं अपना फ्रंट वाला बॉटम अलग ले लूँगी और जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो मैं अलग निकाल दूंगी। फ्रंट वाले को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से इसी तरह से फोल्ड करते हुए रख लूँगी। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला नेक है इसको मैंने बड़ा बनाया था, यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है और जो हमारे लाइनिंग वाले पार्ट हैं ये कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। दोनों पार्ट इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जॉर्जेट वाले फैब्रिक को इसी तरह से यहाँ पे बिछा लूँगी फोर फोल्ड करते हुए। तो इसको भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से बिछा लिया है फोर फोल्ड करते हुए, आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से। और ये हमारे फैब्रिक की लेंथ है फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो, और ये इसकी विड्थ है फ्रेंड्स।
तो जो आपके फैब्रिक की विड्थ है फ्रेंड्स वो आपको इसी तरह से रखनी है। और मेरी साइड से फ्रेंड्स ये फोल्डेड साइड है और बाकी की साइड से आप इसको ओपन भी रख सकते हो। उधर की साइड से आपको इसको जॉइंट रखना है जिधर की साइड ये मेरी है फ्रेंड्स मेरी तरफ से। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे बैक वाला पार्ट इस तरह से रख दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूंगी इस तरह से नेक की साइड से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा शोल्डर होगा तो शोल्डर साइज रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स मैं। तो 9 इंच पे रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूंगी। तो मैंने मार्क कर दिया है फ्रेंड्स इसको। जितनी आप स्लीव रखना चाहते हो तो आप उतना मार्क कर लीजिएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको नोटिस लगा दूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से नोटिस लगा दी है फ्रेंड्स आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर से हटा दूंगी जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है। तो मैंने इसको हटा दिया है फ्रेंड्स इसके ऊपर से। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूंगी। तो इसकी लेंथ लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 33 इंच। इस तरह से मैं 33 इंच पे मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स लाइनिंग वाले पार्ट से मैंने इसकी 2 इंच ज़्यादा ली है लेंथ। इसको मैं इस तरह से हाई लो मार्क कर दूंगी फ्रेंड्स। थोड़ा मैंने इसको डाउन रखा है इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने इधर की साइड से इसको लिया है यहाँ पे 37 इंच पे बिल्कुल नीचे तक के मैंने इसको मिला दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ से मैंने इसको लिया है 33 इंच पे। इसकी लेंथ फ्रेंड्स मैंने इतनी ली है। और जो इसकी विड्थ है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फुल फैब्रिक की रखी है। अब फ्रेंड्स इसको मैंने यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दिया है। और जो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे जॉर्जेट वाले पार्ट भी हमारे दोनों कटिंग होकर रेडी हो गई है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस पर लिख देती हूँ ये हमारा बैक वाला पार्ट है ताकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इसको याद रहे कि बैक वाला पार्ट है। तो अब फ्रेंड जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको मैं फिर से फोल्ड करके इस तरह से रख लूँगी। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। और जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट है ये लाइनिंग वाला इसको मैं इसके ऊपर रख लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका नेक बड़ा है तो मैं इसको यहाँ से कटिंग कर दूँगी जॉर्जेट वाले पार्ट को भी फ्रेंड्स इसके नेक को। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसके नेक को इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमारा जो काफ्तान है यहाँ पे ये कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करती हूँ फ्रेंड्स। तो स्टिचिंग करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग वाला पार्ट ले लिया है फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैं दूसरे वाला पार्ट रख लूँगी फ्रेंड्स। और एक दूसरे का सीधा मुँह फ्रेंड्स मैं अंदर की साइड करूँगी इस तरह से। और इस तरह से दोनों के शोल्डर को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं स्टिचिंग लगा दूँगी शोल्डर को 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से दोनों के शोल्डर को। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। ओपन कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये फ्रिल ले ली है इस तरह से। और फ्रिल की विड्थ रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 इंच इस तरह से फ्रेंड्स। और इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स मैंने आर्म होल के अकॉर्डिंग जितना आर्म होल है हमारा। तो अब मैं इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी। और 2 फोल्ड करते हुए मैं इसको आर्म होल के ऊपर रखूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। और स्टिचिंग लगा दूँगी मैं यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं बारीक बारीक से स्टिचिंग लगा दूंगी इसको इस तरह से पूरे आर्म होल पे। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको दूसरी फ्रिल लेनी है और इसको भी 2 फोल्ड कर लेना है। और इसको दूसरे आर्म होल पे जॉइंट करते हुए स्टिचिंग लगा देनी है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों को इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। और इसको मैंने यहाँ पे रख लिया है उल्टा। उल्टा रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको उल्टे की साइड इस तरह से फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से। तो पूरे आर्म होल को मैं इस तरह से स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स। इसके बाद सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको इधर की साइड में स्टिचिंग लगानी है। इसको उल्टे की तरह फोल्ड करते हुए आपको स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स। पूरी फ्रिल को इसी तरह से मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दोनों को स्टिचिंग लगा लेती हूँ। अभी इनको रेडी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है। और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। दोनों साइड पे मैंने इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी जो हमारी फिटिंग है इसकी स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से। फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क कर लिया है। आपको भी अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। और दोनों साइड पे इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको नीचे से फोल्ड करूंगी 1 इंच का। और 1/2 इंच का अंदर में लेते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर दूंगी। तो जी फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड की इसकी फिटिंग की स्टिचिंग कर दी थी इस तरह से। और इसके बाद मैंने इसको 1 इंच का नीचे से फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक इस तरह से है। तो नेक फ्रेंड्स यहाँ पे ये जॉर्जेट वाले फैब्रिक के साथ मैं रेडी करूँगी इसको। तो ये हमारा रेडी हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लूँगी। तो मैंने फ्रेंड्स जॉर्जेट वाला फैब्रिक ले लिया है। इसको भी मैंने सेम इसी तरह से दोनों पार्ट को रख लिया है और एक दूसरे का सीधा मुँह अंदर किया है फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोनों के शोल्डर को स्टिचिंग लगा लूँगी। जहाँ तक के मैंने इसको कट लगाया था फ्रेंड्स नोटिस लगाए थे वहीं तक के मैं स्टिचिंग लगाऊंगी। तो इधर की साइड पे भी फ्रेंड्स मैं वहीं तक के इसको स्टिचिंग लगा लूँगी नोटिस तक के। इस तरह से फ्रेंड्स दोनों के मैं शोल्डर को स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स मैंने स्टिचिंग लगा दी है शोल्डर को इस तरह से। जहाँ तक के मैंने इसको नोटिस लगाया था वहीं तक के स्टिचिंग लगाई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी।
यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसको हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिचिंग लगानी है। फ्रेंड्स इसको आपको फ्रेंड्स चारों तरफ से फोल्ड करना है, वन स्टेप में ही आपको इसको करना है। आपको मशीन को कहीं भी बाहर नहीं निकालना है, आपको चारों तरफ से इसको वन स्टेप में फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स इस तरह से, और स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स नीचे से भी और इधर की साइड से भी फ्रेंड्स इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स चारों तरफ से। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे भी आपको इस तरह से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करते हुए आपको स्टिचिंग लगानी है। तो नीचे वाले बॉटम को भी फ्रेंड्स आपको सेम इसी तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा देती हूँ और आपको मैं एक बार अच्छे से बता भी देती हूँ स्टिचिंग लगा के। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शोल्डर से स्टार्ट करना है और आपको इसको डबल फोल्ड कर लेना है यहाँ पे, और इस तरह से फ्रेंड्स आपको स्टिचिंग लगानी है इस पर थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ फ्रेंड्स आपको इसको फोल्ड करना है क्योंकि इसी से हमारी जो काफ्तान की फिनिशिंग है फ्रेंड्स अच्छी से दिखेगी और हमारा जो काफ्तान है वो भी एकदम ब्यूटीफुल सा लुक देगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इधर की साइड से भी आपको यही के यही मशीन को इधर घुमा लेना है। आपको कहीं भी फ्रेंड्स मशीन को बाहर नहीं निकालना है, आपको इसको वन स्टेप में ही कम्प्लीट करना है फ्रेंड्स चारों तरफ से। और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसी को उसको भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे वन स्टेप में ही वहीं पे आपको स्टिचिंग लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको एक साइड पे इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है और यहाँ पे ये हमारा दूसरे वाला पार्ट आ गया है। अब फ्रेंड्स दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इधर से इस तरह से फोल्ड करके रखूंगी। आपको फ्रेंड्स मशीन कहीं पर भी नहीं निकालनी है तो इस तरह से फोल्ड कर लूंगी फ्रेंड्स मैं इसको, और यहाँ पे भी मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स इधर वाले पार्ट को भी मैं स्टिचिंग लगा देती हूँ सेम इसी तरह से जैसे मैंने इधर वाले पार्ट को लगाई थी फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इधर वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है स्टिचिंग करके, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टिचिंग लग के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। जो हमारा बॉटम है ये फोल्ड हो गया है और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगानी है। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है चारों तरफ से, यहाँ पे आपको इसको फोल्ड करना है वन स्टेप में फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया है वैसे आपको इसको फोल्ड कर देना है फ्रेंड्स चारों तरफ से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स बैक वाले पार्ट को भी मैंने चारों तरफ से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक के फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक को अटैच करूंगी। तो यहाँ पे जो मैंने इसके फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीचे वाला पार्ट लिया था जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट था, तो इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी और दोनों के जो फ्रंट वाले नेक है वो मैं एक दूसरे से मिलाते हुए रखूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मिला दिया है फ्रंट वाले नेक को। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको उल्टा कर लूंगी इस तरह से और दोनों को इस तरह से अच्छे से सेट कर लूंगी फ्रेंड्स। दोनों के शोल्डर को एक साथ मिला दूंगी दोनों तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों के शोल्डर को मिला दिया है अच्छे से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों के शोल्डर को आपको मिला के रखना है अच्छी तरह से, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। और इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स पूरे नेक को, आपको इसी तरह से स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स। तो इधर वाले शोल्डर को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ मिला के रखूंगी इस तरह से। तो मैंने इनको मिला लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरे नेक के राउंड को स्टिचिंग लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टिचिंग लगा देनी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने पूरे नेक को इस तरह से स्टिचिंग लगाई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको नोटिस लगा दूंगी ताकि जो मैं इसको सीधा करूँ इसमें झोल ना आए, नहीं तो झोल आते हैं हमारा जो नेक होता है। अब फ्रेंड्स इसको मैं सीधा कर लूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हाफ इंच का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी मैं पूरे नेक को वन स्टेप में ही। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगाऊंगी फ्रंट वाले नेक को भी और बैक वाले नेक को भी इस तरह से फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है हाफ इंच का गैप देते हुए, दोनों नेक को मैंने स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड्स वन स्टेप में। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लूजिंग करूंगी, इसकी फिटिंग करूंगी। जितनी फिटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अंदर वाले पार्ट की थी इतनी ही फिटिंग आपको इसकी करनी है, उसी की साइड साइड में फ्रेंड्स आपको मार्क कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जितना हमारा अंदर वाला पार्ट है वहीं तक के आपको इसकी स्टिचिंग करनी है फ्रेंड्स। नीचे से आपको इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है जॉर्जेट का वो बड़ा है उससे, तो उसको मैं नीचे तक के लूजिंग की स्टिचिंग नहीं करूंगी फ्रेंड्स। इधर की साइड में भी फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से मार्क कर लूंगी यहीं तक के जहाँ तक के हमारा ये लाइनिंग वाला पार्ट है फ्रेंड्स। इस तरह से मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी इधर साइड पर भी और इधर साइड पर भी फ्रेंड्स मैंने इसको जहाँ पर मार्क किया है स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स मैं इसको। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है और जहाँ तक के हमारा लाइनिंग वाला पार्ट था फ्रेंड्स वहीं तक के मैंने इसको स्टिचिंग लगाई है। इधर साइड पे भी फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से, आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ तक के ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको नीचे में लटकने लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लटकनों को रेडी कर लेती हूँ। तो लटकनों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के
फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये 20 फैब्रिक कटिंग किए हैं। इस तरह से आपको 20 फैब्रिक कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और 2 फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। तो 4 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको स्टिचिंग लगा दूंगी जिधर से ये ओपन साइड है इसी तरफ फ्रेंड्स। अब इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे सारे पार्ट्स को मैं इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूंगी जिधर से ओपन साइड है इधर की साइड फ्रेंड्स यहाँ पे। तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे फैब्रिक को इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है। अब फ्रेंड्स मैं इनको यहाँ पे अलग अलग कर दूंगी कट करके इस तरह से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इनको इस तरह से अलग अलग कर लिया है, इस तरह से मैंने इनको स्टिचिंग लगाई है फ्रेंड्स। अब इनको यहाँ पे मैं कर लूंगी सीधा फ्रेंड्स इस तरह से। आपको ये नोक अच्छी तरह से बाहर निकाल दें। तो सारों को सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे सीधा कर लेना है आपको। तो जी फ्रेंड्स मैंने सीधा कर लिया है सारों को इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स इनको मैं हटा दूंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं काफ्तान ले लूंगी। इस तरह से मैंने काफ्तान ले लिया है और नीचे के बॉटम को रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। मैं नीचे के बॉटम को मैं मार्क करूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 इंच का गैप देते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक लटकन कोने पे लगाऊंगी इस तरह से, मैं कोने पे मार्क कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 5 इंच का गैप देते हुए दूसरी लटकन लगाऊंगी। तो सेम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सारी लटकनों को 5 इंच का गैप देते हुए लगाऊंगी। तो मैं मार्क कर लेती हूँ फ्रेंड्स 5 इंच का गैप देते हुए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 इंच का गैप देते हुए सारे बॉटम को मार्क कर लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लटकन लगाना स्टार्ट करती हूँ। जो फ्रेंड्स ये मैंने लटकनों को स्टिचिंग किया है ये ले लूंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये मोती लिए है इस तरह से, व्हाइट मोती ले लिए है मैंने इस तरह से फ्रेंड्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीडल ले ली है और नीडल में मैंने धागा डाल लिया है और लटकन में मैं इस तरह से निकालूंगी फ्रेंड्स नीडल को। तो इस तरह से निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें 2 मोती इस तरह से डाल लूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसमें 2 मोती डाल लिए हैं इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कोने से लगाना स्टार्ट करूंगी। तो कोने पे मैं नीडल को इस तरह से निकालूंगी फ्रेंड्स ऊपर की साइड। इस तरह से निकालते हुए फ्रेंड्स फिर से मैं मोती में इस तरह से डालूंगी नीडल को। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो हमारी लटकन है इसमें निकालते हुए फिर से मैं मोती में को आऊंगी इस तरह से फ्रेंड्स। और मैं फैब्रिक के कोने पे इस तरह से जो हमारा काफ्तान है इसमें निकाल लूंगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं उल्टी साइड पे फ्रेंड्स इसको पक्का कर दूंगी 2-3 बारी में। 2-3 बार फ्रेंड्स आपको उल्टी तरफ में पक्का करना है इसको। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको पक्का कर दिया है और हमारी जो ये लटकन है ये लग के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने काट दिया है धागे को। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना इजीली मैंने ये लटकन लगा ली है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सारी लटकनों को लगा लेना है जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है 5 इंच का गैप देते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स आपको जो हमारा बैग वाला पार्ट है इसको भी यहाँ पे 5 इंच का गैप देते हुए सारी लटकनों को लगा लेना है फ्रेंड्स। तो जी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारी लटकनों को इस तरह से लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने लटकन लगा दी है और जो हमारा बैक वाला पार्ट है फ्रेंड्स इसको भी मैंने सेम इसी तरह से 5 इंच का गैप देते हुए एक लटकन को लगाया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लटकन लग के रेडी हो गई है हमारी। सारी लटकन इस तरह से लगा लेनी है फ्रेंड्स आपको भी। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स फ्लावर्स बनाना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हो, फ्लावर्स बिल्कुल इजीली बना सकते हो फ्रेंड्स। तो ये फ्लावर्स फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको लगाने वाली हूँ काफ्तान को। यहाँ पे इस तरह से नेक से लगाना स्टार्ट करूंगी फ्रेंड्स। मैं इसको शोल्डर पे इस तरह से रखूंगी और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक इस तरह से रख दूंगी सारे फ्लावर्स को। तो मिला के फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इनको रखूंगी इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से ये फ्लावर्स रख दी है। अब तो मैंने फ्रेंड्स 8 फ्लावर लिए हैं यहाँ पे। अब जो बाकी के 2 हमारे फ्लावर है इनको मैं यहाँ पे नेक पे लगा दूंगी। तो इस तरह से लगाते हुए फ्रेंड्स मैं इनको नीडल से सेट कर दूंगी अच्छे से। तो जी फ्रेंड्स मैंने इनको नीडल से सेट कर दिया है, मैंने इनको अच्छी तरह से लगा दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरह से यहाँ पे लगा दिए हैं फ्लावर्स। 6 फ्लावर्स फ्रेंड्स मैंने साइड की तरफ लगाए हैं और जो हमारे 2 फ्लावर्स थे वो मैंने नेक पे लगाए हैं और नीचे में फ्रेंड्स मैंने इसको ये लटकने लगाई है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल जो हमारा काफ्तान है यहाँ पे ये बनकर रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बिल्कुल इजीली काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बिल्कुल इजीली काफ्तान को रेडी कर सकते हो। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारे काफ्तान का फाइनल लुक। इस तरह से आप बिल्कुल इजीली काफ्तान बना सकते हो फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड्स आपको वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो इसके लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी ऑन कर देना होगा। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।